पार साल पर्दे लाए थे। आह, क्या पर्दे थे! उन्हें दरवाजों पर टंगे जो देखता लटक कर रह जाता। अंदर ही अंदर उसका कलाबोध करंट मारता कि पूछे बिना नहीं रहता, जोशी साहब कहां से खरीदे? क्या पर्दे थे! दो धुलाई में साफ हो गए, मर गए मगर नाम कर गए। उनके अंतिम दिन भी देखने लायक थे। पीले में नीला मिलकर हरा हो गया था। अपनी खरी कमाई को यूं उजड़ते देखा तो तबीयत झक हो गई। मगर भाइयों, सवाल कला का था, रुचि का था। ये एक ऐसा मोर्चा है जिसमें पराजित होने से नाक कटती है। हम तो उन्हें ही सुंदर कह देते हैं जो चेहरे पर पाउडर ठीक से मलना जानती है। स्नोमली चमड़ियों की इस आधुनिक जगमगाहट ने हमें चौंधिया रखा है। उस दिन दुकान पर देखा कि लिपस्टिक कितने रंगों में मिलने लगी है। देखा और नारी जात को सराहा जो इन सब शीशियों को होठों पर रगड़ती हैं, गजब करती हैं। मेरे धन्य भाग की मैं स्त्री नहीं हूं। मगर उससे क्या होता है, एक सज्जन बता रहे थे कि मैं जैसी कमीज पहने हूं उसका कॉलर आजकल आउट ऑफ डेट हो गया है। क्या अजीब बात है कि कमीज आउट ऑफ डेट नहीं हुई, उसका कॉलर हो गया। एकाएक मेरे लिए इस सभ्य दुनिया में मुंह छुपाने की स्थिति आ गई। मैंने पूछा, अब इस कमीज का क्या करूं? बोले, संभाल कर रख लो, ये फैशन फिर लौट कर आएगा। ठीक कहा था, कल जरूर ऐसा होगा। मेरे पिताजी आज जीवित होते तो पुरुषों के फैशन में सबसे आगे होते। क्या लिखा है।